हापुड़ जनपद के थाना धौलाना क्षेत्र के गांव देहरा में दो लोगों ने महीनों से चल रहे अवैध खनन की हापुड़ एडीएम से शिकायत की है। शिकायतकर्ता खालिद और मुशाहिद ने बताया कि धौलाना क्षेत्र के देहरा गांव में गुलाबठी मसूरी रोड पर बनाए गए इसाक पेट्रोल पंप के लिए खेत से मिट्टी उठाने की फर्जी परमिशन आसिफ के नाम से कराई गई है। मिट्टी उठाने के लिए मात्र 10 टफर की अनुमति ली गई है, जबकि पेट्रोल पंप का कार्य काफी समय पहले ही पूरा हो गया है और पेट्रोल पंप भी पूरी तरह से संचालित है, लेकिन पेट्रोल पंप के लिए आसिफ नाम से ली गई फर्जी परमिशन की आड़ में अवैध खनन रात्रि के समय जोर शोर से चल रहा है, जिसकी शिकायत एडीएम से की गई है। वहीं मीडिया से बात करते हुए शिकायतकर्ता ने बताया कि खेत मालिक ने खनन अधिकारी की सांठगांठ के चलते अवैध खनन का काम जोरों से चला रखा है। रातों रात डंपर मिट्टी उठाते हैं और फैक्ट्रियों सहित प्लॉट में भराव करते हैं, जिससे पूरे इलाके में धूल का तांडव हो रहा है। रास्ते भी डंपर से टूट रहे हैं। पंडित ने बताया, अगर खनन अधिकारी को फोन कर शिकायत करते हैं तो खनन अधिकारी बदतमीजी से पेश आते हुए अपना फोन स्विच ऑफ कर लेता है। अब देखना यह है कि अधिकारी फर्जी तरीके से ली गई परमिशन और जिस खेत से मिट्टी उठाई गई है उसका मुआयना कर सांठ गांठ करने वाले अधिकारियों और फर्जी तरीके से परमिशन कराने वाले लोगों पर क्या कार्रवाई करते हैं। ये ग्राम देहरा में पुलिस चौकी के पीछे खनन हो रहा है जी, और ये खनन जो है गौशाला के ऊपर परमिशन ली गई है, जिसके गौशाला वहाँ 15-20 साल से है, और जहाँ परमिशन ली गई है जी गौशाला पे, उसका गेट इतना छोटा है कि गाड़ी उसमें बढ़ नहीं सकती, और अधिकारियों ने उस पर परमिशन दे दी गई। परमिशन ग्रामवासी का कहना है कि रास्ता बेकार हो रहा है गाड़ियों से। जी मैंने शिकायत दी है, देहरा में एक पंप है उस पर 100 घन मीटर की परमिशन हुई है, उसमें 100 घन मीटर की परमिशन पर वो जो परमिशन हो गई उसमें जो तकरीबन 5 बीघा खेत उठा लिया है, तकरीबन 500 डंपर हुई है, तकरीबन 100 घन मीटर बैठता है 10 डंपर मिट्टी की। और मैं खनन इंस्पेक्टर साहब को शिकायत करी, मैंने कई बार फ़ोन करा खनन इंस्पेक्टर साहब, इसमें जो कुछ साठ गांठ खनन इंस्पेक्टर साहब जो अपना उसकी खनन माफिया की और खनन इंस्पेक्टर साहब की एक बात है, दोनों मिलजुल के काम कर रहे हैं, खनन इंस्पेक्टर साहब की सह से काम चल रहा है, खनन इंस्पेक्टर साहब ही करा रहे हैं, वो 10 डंपर एक दिन में गेर के पूरे हो जाएंगे, पर वो पूरे 1-1.5 महीने चलाएगा, वो खनन इंस्पेक्टर साहब को पैसे देता है इस चीज़।